ये है छपरा का नया स्टेशन और इस व्यू को देखिए जरा, कितना प्यारा व्यू लग रहा है। और ये जो स्टेशन बना हुआ है, ये जो पुराना वाला छपरा जंक्शन था उसके अपोजिट साइड में बन रहा है, जैसे कि जगदम कॉलेज ढाला वाला जो रोड आता है उसी साइड बना हुआ है ये। और अभी ये जो बिल्डिंग दिख रही है स्टेशन के जस्ट बगल में ही बन रही है, ये किस लिए बन रही है मुझको नहीं पता है। और अभी मैं कैमरा किया हूँ नया वाला स्टेशन के दूसरे साइड से, आप लोग देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताते चलूँ, बहुत सारे लोग तो जानते भी होंगे, पहले छपरा जंक्शन पर 5 प्लेटफॉर्म थी और अभी 3 और बढ़ चुकी है, तो यानी कि अभी प्लेटफॉर्म हो चुकी है 8। अब मैं स्टेशन के अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको, ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये देख लीजिए, ये बीच में गोल कुछ बन रहा है। और मैं इसको यूनिक भी नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत सारे स्टेशनों पर ऑलरेडी ऐसा बना हुआ है, काफ़ी बड़े बड़े स्टेशनों पर ऐसा बना हुआ है। मुझे जहां तक लग रहा है कि ये स्टेशन बनकर तैयार होने में काफ़ी समय लगने वाली है क्योंकि बहुत काम अभी बाकी है। अभी तो पैदल पुल ठीक से नहीं बन पाया है, उसमें भी बहुत काम बाकी है। और ये व्यू भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो व्यू मैं ले रहा हूँ, अभी मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आप लोग देख लीजिए, अभी भी बहुत काम बाकी है, काफ़ी समय लगने वाली है। और मैं आप लोगों को पैदल पुल भी दिखाता हूँ, उसमें काम चल रही है, हालांकि काम तो बहुत तेजी से हो रही है। और एक चीज़ तो देखकर मैं हैरान रह गया, आपको पता है अभी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी छपरा स्टेशन पर कुल 13 ट्रेन खड़ी हुई है और अभी 3 प्लेटफॉर्म खाली ही थी, यानी कि छपरा स्टेशन पर लगभग 20 लाइन है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कितना ट्रेन लगी हुई है। और ये जो बनी हुई है, मेरे हिसाब से ट्रेन को रिपेयर करने के लिए बनाई गई है ताकि अंदर से जाकर ट्रेन के नीचे का भाग को सही किया जा सके। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 6 और प्लेटफॉर्म नंबर 7। यहाँ पर एक पैदल सीढ़ी बनी हुई है, मैं उसी से अब बाहर की तरफ जाऊंगा। और ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 तो सिर्फ इधर ही दिख रही है, बाकी इधर मैं दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7, इस साइड 7 लगी हुई है और एक उस साइड है दूसरे साइड में, मैं वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। और एक ट्रेन इधर है, कुल मिलाकर लगभग 13 ट्रेन हो चुकी है। अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 के ओवरब्रिज पर खड़ा हूँ, वहीं से ये बाहर का सीन है जो पुराना वाला स्टेशन है। अब मैं इधर भी घुमा देता हूँ, आप लोग का अंदाज़ा लग जाएगा। ये देख लीजिए, ये वाला जो है नया वाला स्टेशन है, और जो दाएं साइड में अभी घुमाऊंगा, ये देख लीजिए, ये है पुराना वाला स्टेशन। और ये है पैदल पुल जो कि सीधा बाहर की तरफ निकाल देती है, इसी मतलब पैदल पुल पर आगे आपको एस्केलेटर देखने को मिल जाएगा जो कि लगभग 24 घंटे में 18 घंटे बंद रहती है। वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगर आप लोग नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ।